हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इसराइल लेबनान के आतंकियों को जड़ से खत्म करना चाहता है, तो हिजबुल्ला अपने चीफ और कमांडर को गंवाने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं। इस बीच हिजबुल्ला के नए चीफ नईम कासिम ने इसराइल को कड़ी चेतावनी दी। कासिम ने कहा है कि विराम को लेकर हमने अपना पक्ष अमेरिका और अन्य मध्यस्थताओं को बता दिया। हम इसराइल की शर्त पर युद्ध विराम नहीं चाहते। गेंद अब इसराइल के पाले में, और अगर वो युद्ध से ही इसका समाधान चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। हिजबुल्ला के पास IDF के साथ लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के साधन हैं, और हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुश्मन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब दुश्मन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि हम जीत गए। कासिम का यह भाषण इसराइली विदेश मंत्री गिदोन सार के उस बयान के बाद आया है, जब उन्होंने 100 विदेशी राजदूतों से कहा कि इसराइल हिजबुल्ला के साथ एक अस्थायी समझौता चाहता है, लेकिन समझौते का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने का अधिकार भी उसे बनाए रखना होगा। मतलब साफ है कि अगर युद्ध विराम करना है तो इसराइल को हिजबुल्ला के साथ समझौता करना होगा। इसके साथ साथ हिजबुल्ला को भी इसराइल की कुछ बातों पे समझौता करना होगा। लेकिन नेतन्याहू का जो रवैया है उसे देखकर ये नहीं लगता कि वो हिजबुल्ला के साथ समझौता करना चाहते हैं या फिर हिजबुल्ला भी उनके साथ समझौता करेगा। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्ला सीमा पर स्थित इसराइली समुदाय और सैनिकों को निशाना बना रहा है। समूह का कहना है कि वह सीमा पर इसराइल को नुकसान गाजा में किए जा रहे उसके हमले के जवाब में हो रहा है। स्थिति युद्ध के रूप में तब बदल गई जब इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला बढ़ा दिया। इसराइली हमलों में हिजबुल्ला के अधिकांश नेता अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला झुकने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।